हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर शहर के गिरल और सोनडी लिग्नाइट क्षेत्र में RSMML ने लिग्नाइट के ट्रांसपोर्टेशन के लिए टेंडर जारी कर निजी फर्म को सौंपने की तैयारी कर दी है। इसका सीधा असर गिरल एवं सोनडी लिग्नाइट क्षेत्र में कार्यरत स्थानीय ट्रक संचालकों और लिग्नाइट व्यापारियों पर पड़ता नजर आ रहा है। वहीं इस टेंडर प्रक्रिया के शुरू होने के बाद लिग्नाइट ट्रांसपोर्टेशन में लगे स्थानीय ट्रक संचालक और लिग्नाइट व्यापारियों को बेरोजगारी के साथ नुकसान की चिंता सताने लगी है। RSMML की इस टेंडर प्रक्रिया से नाराज गिरल एवं सोनडी क्षेत्र में लिग्नाइट व्यापारियों, जनप्रतिनिधियों एवं ट्रक यूनियन ने मंगलवार को भगवान महावीर टाउन हॉल में एकत्रित होकर बैठक का आयोजन करते हुए स्थानीय प्रशासन एवं माइंस अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया, जिसके बाद लिग्नाइट व्यापारियों, ट्रक यूनियन एवं जनप्रतिनिधियों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर जिला कलेक्टर के मार्फत मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर टेंडर प्रक्रिया को निरस्त करवाने की मांग की। मुख्यमंत्री के नाम सौंपे ज्ञापन में लिग्नाइट व्यापारी संघ एवं ट्रक यूनियन के पदाधिकारी ने बताया कि लिग्नाइट परिवहन के लिए RSMML जयपुर द्वारा लिग्नाइट परिवहन के लिए ठेका पद्धति लागू करने के लिहाज से निविदा निकाली गई है, जो लिग्नाइट व्यापार के साथ कुटाराघात है। उनके अनुसार इस निविदा के लागू होने से उनके व्यापार और लिग्नाइट परिवहन पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। लिग्नाइट व्यापारियों के अनुसार इस निविदा के लागू होने से लिग्नाइट व्यापारी और परिवहन प्रभावित होने के साथ एक ठेकेदार का ठेका अधिकृत हो जाएगा और अन्य व्यापारियों का व्यापार बाधित होने के साथ करीब 2000 ट्रक और करीब हजारों परिवारों पर रोजी रोटी का संकट आ जाएगा। लिग्नाइट व्यापार संघ और ट्रक यूनियन ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपे ज्ञापन में बताया कि सरकार स्थानीय लोगों के हितों के बारे में सोचते हुए RSMML जयपुर द्वारा लिग्नाइट परिवहन के लिए जारी की गई निविदा प्रणाली को निरस्त करे, ताकि लिग्नाइट माइंसों को ठेकेदार के एकाधिकार से बचाया जा सके और स्थानीय लोगों को भी बेरोजगारी और आने वाले आर्थिक संकट से निजात मिल सके। लिग्नाइट व्यापारियों और ट्रक यूनियन ने उनकी मांग नहीं माने जाने पर आगामी दिनों में बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकुर राम मेघवाल की रिपोर्ट।